नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। आप देख रहे हैं JNI न्यूज। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी के पटेल यात्रा में शामिल हुए ललितपुर जिले के बुंदेलखंड से आए हुए कुछ ऐसे लोग दिखाई दिए जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो छपी हुई टी शर्ट पहने घूम रहे हैं। क्या है डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में इनका कहना, आइए जानते हैं ब्यूरो चीफ विकास शुक्ला के साथ सुनील विश्वकर्मा की इस रिपोर्ट में। हमारा सीधा सा मैसेज है कि अभी भी हमारा जो पिछड़ा हुआ समाज है, दलित शोषित वर्ग माइनॉरिटी है, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं बहुत कुछ तो नहीं कर पाऊँगी, बट मैं जितना करूँगी थोड़ा कुछ तो कर पाऊँगी। तो समाज को इकट्ठा करने का हम लोग काम करते हैं कि सभी एकजुट हो जाए। जो हमारा 85% का जो हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो मूल निवासी है वो एक साथ हो और एक साथ खड़ा होकर कदम से कदम मिला के कार्य करे, तब जाके हमारा मिशन पूरा हो पाएगा। बस इतनी सी हमारी सोच है और इसी विचारधारा को चल के हम पटेल यात्रा में चल रहे हैं कि सब 85% और जो हमारा मूल निवासी एक साथ हो जाए और एक साथ खड़ा होके चले, तब जी। मेरा नाम आरती अर्ष अम्बेडकर है, आरती अर्ष अम्बेडकर जी। मेरा नाम मोहन घायल है, मैं एक कलमकार हूँ। हम लोग ललितपुर जिले से हैं, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश महरौनी विधानसभा से आते हैं। आज सुल्तानपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है, खासकर बरौदा चौराहे के बगल बगिया ये समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें आप लोगों ने क्या भूमिका दिया? हम लोगों की भूमिका, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश द्वारा हमें लगाया गया और एक सोच समझ के लगाया गया है कि बाबा साहब को आज तक लोगों ने एक दलित कौम से जोड़ के रखा था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक मानना है, उनका कहना है कि आप अम्बेडकर को ओबीसी में ले जाइए, उनका विस्तार करिए, वो विश्व के नेता हैं, एक किसी दलित या जाति में नहीं रखिएगा। कुछ लोगों ने हमारे साथ बहुत साजिश की जिससे दलितों के बीच में केवल अंबेडकर को संकुचित कर दिया। उसको ओबीसी में ले जाकर बाबा साहब को ये बताएं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है जो, उसमें सिर्फ दलितों को नहीं लिखा, अगर लिखा तो वो ओबीसी के लिए भी लिखा, जनरल के लिए भी लिखा, सारे भारत को लिखा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, माननीय अखिलेश जी की एक सोच है जो काम कर रही है। जब अगर किसी लड़की का रेप होता है तो संविधान जाति और धर्म नहीं देखता, सबको न्याय देता है। इसी रूम में इसी विचारधारा को समाजवादी पार्टी में अंदर तक ले जाने के लिए पिछड़े दलित शोषित माइनॉरिटी और जो भी संविधान में विश्वास रखते हैं उनको अम्बेडकर की विचारधारा से ओतप्रोत करना, अपने गीतों के माध्यम से लगातार पटेल यात्रा में हम लोग चल रहे हैं जो अक्टूबर के लास्ट तक चलेगी। हम अपने गीतों के माध्यम से काम करते हैं, मैं एक कलमकार हूँ जो लिखता रहता हूँ, छोटा छोटा जो भी समझ में आता है कोशिश करता हूँ।